नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीता अपने किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी आज की रेसिपी है ब्रेड रोल्स। तो आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि और इसमें लगने वाली सामग्री के बारे में। अगर यह रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रेड रोल्स बनाने के लिए हमें चाहिए 4 ब्रेड, 2 छोटे प्याज बारीक कटे हुए, 4 मध्यम साइज के आलू जिसे मैंने उबाल कर इस तरह मैश कर लिया है, तलने के लिए तेल, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी धनिया पत्ती बारीक कटी हुई। तो आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि। अब हम सबसे पहले इसका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम एक कढ़ाई में 2-3 चम्मच तेल लेंगे, 2 आकार दे देंगे और इसी तरह से सभी ब्रेड को भर लेते हैं। यह सब अब भरकर तैयार है। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। ब्रेड रोल्स को तलने के लिए अब हम एक कढ़ाई में तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। फिर इसमें एक एक करके रोल्स को डाल देंगे। अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। आप इसे एक बार जरूर इस तरह से बनाकर ट्राई करें और अपने अनुभव हमसे शेयर करें।